महाराज जी इस कुटिया से निकलना है, ये स्थूल कुटिया, सूक्ष्म कुटिया, कारण कुटिया, यही हमारे को पागल बना दिए। सत्य है, इसी से हट जाए। और आप, हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, दोनों किडनी फेल है, हर समय कष्ट युक्त। अगर इस कुटिया में होते तो हम डिप्रेशन में बैठे होते ना, इस कुटिया में है और ना सूक्ष्म कुटिया में है और ना कारण कुटिया में है। अब हम श्री जी के कुंज कुटीर में है, पहचान पाओ तो पहचान लो, जान ले तो जान लो। क्या बाहरी पोशाक और बाहरी चमड़े की सजावट श्री कृष्ण को रिझा सकती है? अरे श्री कृष्ण को रिझाने के लिए इस चमड़े की आसक्ति का त्याग है। देखो ना गोपीजनों के भाव, वो एक स्थिति है जहाँ शरीर राग का विस्मरण है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हमारी भक्ति का रंग है कि हमारा शरीराध्यास छूट जाए, हमें केवल प्रभु प्यारे लगने लगे, उनका नाम प्यारा लगने लगे। सच्चिदानंद श्री कृष्ण खुद कह रहे, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेर ही करती मुझे लाचार। भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, फटे पुराने कपड़े पहने, रूखा सूखा जो प्रभु दिए और श्री कृष्ण संग डोलते हैं। हमारी समझ में आया सत्य मार्ग में चलो, और सत्य का स्वरूप है इस असत शरीर और संसार से राग छूट जाना। अगर कोई भूलने की बीमारी के कारण उससे नाम जब छूट गया तो क्या करें? मेरी माता जी को भूलने की बीमारी है, मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे भी ये बीमारी हुई तो क्या होगा, क्योंकि ये वंशानुगत बीमारी है। आपको तो भूलने की बीमारी को, यहाँ सब भूले हुए हैं, कौन याद कौन कर रहा है, सब भूले हुए, सबको भूलने की बीमारी। गर्भ में थे भूल गए, पीछे जन्म में क्या थे भूल गए, बाल्यावस्था में क्या थे भूल गए, जवानी में क्या क्या कर सब भूलते ही तो जा रहे हैं। अपने को पुरुष मान के, स्त्री मान के, अपने को विद्वान मान के, अपने को मूर्ख मान के, अपने को धनवान मान के, निर्धन मान के भूले हुए तो है ना। ये भूले हुए कि काल का एक इशारा होगा और जीवन की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, शरीर छूटेगा, अब आपके पास क्या रह गया? एकमात्र भगवान का आश्रय अंदर से, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं, उससे आपकी गति हो जाएगी। जब आपको चेतना आवे तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो आप जपते हो, और जब चेतना नहीं है अब भगवान जिम्मेवारी ले लेते हैं, कहते हैं मैं जो मेरे को समर्पित है मैं उसका स्मरण बन जाता हूं। जब आप क्या सब भूल जाएंगे, जब मृत्यु का भयावह दुख आता है तो इंद्रियां बुद्धि इनकी ताकत नहीं रहती उसको झेल पावे, सब मूर्छित हो जाती है, तो उस समय भगवान का जो स्मरण होता है वो भगवान की तरफ से होता है, क्योंकि जीवन में हमने अभ्यास किया, अब अंतिम समय भगवान हमें परिणाम देने के लिए स्मरण बन जाते हैं। भरोसा जिनको है भगवान का, कल्याण पक्का हो जाएगा।